इधर यूपी में ग्रेटर नोएडा के दनकौर में ईद के दिन भी हिंसा हुई है। यहां दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। एक महिला को गोली लगी। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों गुटों में पुरानी रंजिश थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बच्चे को अकेला पाकर मारपीट की और उसके बाद हंगामा शुरू किया। हंगामे में कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी वहां पर क्या स्थितियां हैं और ये कहा जा रहा है पुरानी रंजिश थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ? देखिए श्वेता, जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक बच्चा घर पर अकेला था और उसको पूरा परिवार नमाज पढ़ने के लिए गया था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर उस बच्चे के साथ मारपीट कर दी। जैसे ही वो लोग नमाज पढ़कर वापस आए तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। काफी देर तक वहां मारपीट चलती रही। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके मुताबिक लाठी डंडे भी चले, कई राउंड फायरिंग भी हुई, एक महिला को गोली लगने की बात सामने आई है। उसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। इसमें जो आसपास में खड़े हुए लोग थे वो भी कुछ घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पुरानी रंजिश को लेकर इस पूरे मामले को होना बता रहे हैं। वहीं जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अभी भी लगा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जो भी जांच में निकल कर आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस कार्यप्रणाली पर इसलिए उठता है कि ईद की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने काफी दावे किए थे कि तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहेगी, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। बावजूद उसके इस तरीके की हिंसा होना कहीं ना कहीं पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े करती है। चलिए अमित, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।